डियर छात्रों, बिहार बोर्ड कक्षा सत्रवे का हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे और इसमें हम लोग एक्सरसाइज चालू करेंगे अध्याय अपना ये 3-2 तक हमने ऑफलाइन क्लास पढ़ लिया है। यहाँ पे ऑनलाइन में भी नहीं हुआ है, मैं अभी ऑफलाइन और ऑनलाइन एक साथ पढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए मैं 2 चैप्टर पहले से पढ़ा चुका हूँ इन लोग को ऑफलाइन में अपने छात्रों को। तो मैं आपको ऑनलाइन में उस वीडियो को प्रोवाइड कर दूंगा, अभी थोड़ा यहाँ डाटा कनेक्शन की थोड़ा दिक्कत है और अभी मेरे पास उतना अवेलेबल नहीं है डाटा जो आपको उसका जल्दी से जल्दी कर दूं, लेकिन मैं बहुत जल्द आपको पूरा जितने चैप्टर पढ़ाए हुआ है अध्याय 1 और अध्याय 2 का पूरा वीडियो मैं आपको ए टू जेड डालूंगा। और मेरा वीडियो में खैसियत होगा आपको, आप देखेंगे कि जो बीच वाले प्रश्न होते हैं एक्सरसाइज से पहले जहाँ लिखा होता है कि छात्रों के लिए स्वयं प्रयास कीजिए या स्वयं हल कीजिए, इन सब क्वेश्चनों को भी मैं डिस्कशन करा दूंगा, जिससे आपको बहुत आसानी मिलेगी एक्सरसाइज के सवालों को बनाने में। सिर्फ आप इनको मैं आपको एग्जांपल करा दूंगा, तो आप चाहेंगे तो खुद से पूरा प्रश्नावली ए टू जेड बना लेंगे। अब चलिए मैं आपको कुछ इसके इंट्रोडक्शन कराता हूँ डेसिमल पॉइंट के बारे में। पर दशमलव होता क्या है ये हम जानते हैं पहले से, कि अगर किसी छोटे बड़ी संख्या में भाग देते हैं और उसके बाद जो नई संख्या कटती है उसको दशमलव में फिर तोड़ते हैं वो दशमलव होती हैं, लेकिन इस चैप्टर हमारा है दशमलव भिन्न। इसमें देखिए आपको इसमें कुछ भूमिका लिखी गया है, इसमें भूमिका में दिया गया हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था यानी कक्षा 6 में, लेकिन मैं अभी आपको जल्द से बता देता हूँ। ये जो डायग्राम दिया है इसमें ब्लैंक एक तो भर दिया है, बाकी आपको खुद को बोला है भरने के लिए, एक भर दिया था ये और ये और बाकी ब्लैंक था इसको भरना था। लेकिन अब इसमें समझे बहुत अच्छी बात बताई गई है, सैकड़ा दहाई इकाई दशांश, दशांश में आपको दर्शाया गया है 1/10। दशांश में आप याद रखेंगे इसका मतलब दशमलव होता है, क्या होता है दशमलव। शतांश का मतलब होता है दशमलव, इसका मतलब दशमलव के बाद एक संख्या, इसका मतलब होता है शतांश का मतलब दशमलव के बाद दो संख्याएं, अर्थात 1/2 0, दशमलव के बाद एक संख्या 1/1 0। और सहशांश का मतलब होता है दशमलव के बाद 3 संख्या आगे, यानी 1/3 0 समझेंगे हम। और चलिए इसमें एक तो बना के दिखा दिया है NCERT में, इसको पहले बना दिया है फिर भी इसको हम समझ ले क्या लिखा है, एक किसके सामने सैकड़ा के सामने, और उसके बाद लिखा है दहाई के सामने 10, इकाई के सामने 1 और शतांश के सामने दशांश के सामने 4 और शतांश के सामने 5, सहशतांश के सामने 6 लिखा है। और इसका कुल आंसर दिया है 1, 2, 3, इसका आंसर दिया है 123.456। तो देखेंगे ये 123.456 क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है आप यहाँ ध्यान देंगे इन संख्याओं पर, सैकड़े के सामने क्या था एक यानी 100 होना चाहिए तो 100 है, और उसके बाद दहाई के सामने क्या है तो 2 है, इकाई के सामने क्या है 3 है, तो इसका अर्थ हो गया कि ये हमारा जो संख्या है 123 हो गया, कितना हो गया 123। अब हम बात करेंगे दशमलव कहाँ से आया, मैं आपको पहले बताया था दशांश का अर्थ होता है दशमलव की संख्या, तो दशांश के सामने क्या लिखा है 4, यानी 4 से पहले क्या होगा दशमलव होगा, है बिल्कुल है। अब देखिए शतांश में हमने बताया था आपको दशमलव के बाद दूसरी संख्या होगी, तो दशमलव के बाद दूसरी संख्या होगी, दशमलव शतांश का अर्थ होता है सहशांश का अर्थ होता है कि दशमलव के बाद ये तीसरी संख्या होगी, ये 6 तीसरी संख्या है। अगर ऐसा दिया हो तो हमको ये बनाना आ जाना चाहिए, और ऐसा दिया है तो हम ये भी आसानी से बना लेंगे। चलिए आपको इसका एग्जांपल और दिखा देता हूँ, यह जैसे में एक सवाल देखिए लिखा है 256.450, इसका मतलब क्या है 2 सैकड़ा होगा, 5 क्या है दहाई का अंक है, 6 क्या है इकाई है, और दशमलव लग गया है अर्थात ये क्या है दशांश है, ये क्या है शतांश है, और ये 7 कहाँ चला गया सहशांश में चला गया, यानी कुल संख्या हमारा इसे बन गया। देखिए इसे दर्शा दिया गया पूरा डिटेल्स में, पूरा डिटेल्स में बनाया गया है। अब मैं आपको ले चलता हूँ पेज नंबर 54 पर, कुछ प्रश्न दिए गए हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए पेज नंबर 54 पे सवाल दिया है, निम्नलिखित में तुलना कीजिए। पहला सवाल है 1.234 व यानी और 2.345 में कौन बड़ी है कौन छोटी है, जैसा हमने पिछली बार पढ़ा था। अच्छा देखिए दशमलव के पहले जो एक है यानी पूर्ण संख्या हो गई, यानी ये दशमलव है यानी पूर्ण नहीं है,
यहाँ भी पूर्ण संख्या कह दो है, तो इसको तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये देखिए यहाँ पूर्ण संख्या एक है, यहाँ पूर्ण संख्या दो है, हम जाहिर से जानते हैं कि एक जो है दो से छोटी है, यानी दो ग्रेटर देन एक। तो इसको तो हम सिंपल बता सकते हैं कि एक तथा ये जो संख्या में एक तथा एक से बड़ा कौन है, दो है, दोनों पूर्ण संख्याएं हैं लेकिन उसमें भी दो बड़ा है, तो डायरेक्ट इसका आंसर हम बता देंगे, इसका आंसर हो जाएगा 2.345 बड़ी है, यही कंपेयर हुआ। लेकिन अगर बात करेंगे हम इसके दूसरा प्रश्न पे 1.234 व 1.23 में कौन बड़ी है कौन छोटी है, इसको हमको थोड़ा कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ प्रश्न ऐसा हो गया, स्थिति ऐसा आया है, इसका भी पहला भाग बराबर है और इसका भी पहला भाग बराबर है। तो इसको हम क्या करेंगे, पिछली सवाल की तरह इसका सारे जो दशांश दिए गए हैं इसको कंपेयर कर लेंगे। चलिए कोई बात नहीं, इसका पहला संख्या बराबर है, इसका भी पहला संख्या बराबर है, यानी दोनों का पूर्ण संख्या में एक आ गया। यहाँ तो पूर्ण संख्या में क्या था, दूर पर फर्क दिख रहा था कि इसकी पूर्ण संख्या बड़ी थी इससे, तो ये बड़ा हो गया। यहाँ कन्फ्यूजन थोड़ा सा ये आया कि इसके पूर्ण संख्या और इसका पूर्ण संख्या दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसको हम थोड़ा मेंशन कर देंगे, सॉल्यूशन में हम लिख देंगे, चूँकि दोनों संख्याओं में पूर्ण भाग क्या है, आपस में बराबर है, अर्थात दोनों का एक एक बराबर हो गया। चलिए इसका हम आगे की संख्या पर चलते हैं, यानी दशमलव को हम लोग क्या बोलते थे, दशांश, दशमलव क्या बोल रहे थे, दशांश, दशांश में क्या है दो और यहाँ दशांश में क्या है एक, और फर्क दिखिए आपको कि दो तो बड़ी हो गई, इसका दशांश बड़ा है, इसका दशांश क्या है छोटा है, क्योंकि इसके दशांश में दो है और इसके दशांश में क्या है एक है, इससे स्पष्ट हो गया कि हमारा दशांश दो दशांश एक से क्या है बड़ा है। अतः हम फुल फाइनल बता सकते हैं कि जिसका दशांश बड़ा है वो संख्या बड़ी होगी, अर्थात 1.234 ग्रेटर देन 1.23। सबसे पहले चलिए तीसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं, ये आपका पेज नंबर NCERT आप जाएंगे 54 पे ऐसा प्रश्न दिए गए हैं। तो YouTube पर पहली बार मैं देख रहा हूँ, मैं भी बहुत सारे वीडियो देखता था YouTube पर, मैं देखता हूँ आज भी, तो ऐसा कोई वीडियो नहीं मिल रहा था जहाँ पे वो जो क्या बोलते हैं ये वाला क्वेश्चन मिल जाए, इनका सॉल्यूशन मिल जाए। जितने भी यूट्यूबर हैं चाहे जो भी पढ़ाए हैं, या तो डायरेक्ट प्रश्न वाली बता देते हैं, इसका आंसर क्वेश्चन कर देते हैं। मैं समझता हूँ कि आप बेसिक समझ लें, बेसिक जो ये चीज़ दी गई है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप इसको सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व कर लें, पूरी समस्या यहीं पे आपकी क्लियर हो जाएंगी। आप इसको अगर समझ लें तो मैं फुल गारंटी के साथ कहता हूँ आपको ये इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए हम आपको ये जो हम लोग प्रश्न कर लिए और ये भी कर लिए, अब हम करेंगे इसका तीसरा नंबर सवाल। जैसे दिया है 1.134 1.132 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे दोनों का पहला भाग जो होता है पूर्ण, दशमलव के पहले की संख्याएं पूर्ण होती हैं, इसका भी पूर्ण बराबर है, इसका भी पूर्ण बराबर है, तो लिख देंगे कि चूंकि दोनों का पूर्ण बराबर है। अब दशांश चेक करेंगे, इसका दशांश एक है, इसका भी दशांश एक है, अब यहाँ भी हम तक अभी क्लियर नहीं कर पाए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब दशांश के बाद हम शतांश चेक करेंगे, इसका भी शतांश तीन, इसका भी शतांश तीन, यहाँ भी कन्फ्यूजन बरकरार है। अब चल गया हमारा पास बच गया शशांश, उसको चेक करेंगे, इसका शशांश में क्या है चार है, इसमें क्या है दो है, अब यहाँ जाके क्लियर हो गया। देखिए ऐसे तो बताने के लिए हम बोल सकते हैं कि ये बड़ी है, दिखने से लग रहा है कि इसमें दशमलव में 1.34 है और इसके दशमलव में 1.32 है, तो जाहिर सी बात लग रहा है कि ये बड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं, आप कोई रीजन कोई आपको बताएगा, तुलना कीजिए, कोई इसका कुछ कॉन्सेप्ट बताइए, किस आधार पर बता रहे हैं ये बड़ा है छोटा है, तो हमें एक मेथड बताना पड़ेगा कि हमने इसको हमने दशमलव भिन्न का जो हमारा चैप्टर है इसके नियमानुसार हमने ये पूरा कंपेयर किया कि ये संख्याएँ बड़ी हैं ये छोटी हैं, ये पूरा फुल फाइल से देख के बता देने से नहीं होता है, अगर कॉन्सेप्ट भी बताना पड़ेगा, क्योंकि हम एग्ज़ाम में अगर लिखेंगे तो हमें उसका एग्ज़ाम करने क्लियर करेंगे और पूरा मेंशन बताएंगे तो एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और हमारा मार्क्स अच्छा आएगा। तो चलिए अब देर न करते हैं, चलो कपले चलते हैं इसका प्रयास वाले क्वेश्चन में, यहाँ तक अब क्लियर हुआ, इसको देखिए कहते कि निम्न को बदलना है, जैसे 10 पैसे को रुपया में बदलना है, तो जाहिर सी बात है रुपया में 100 रुपया होता है, तो 10 पैसा को हम जब रुपया में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे। चलिए मैं यहाँ पे कर दिया हूँ, डायरेक्ट आपको दिखा देता हूँ, आप जल्द से करके अपना एक अच्छे से नोट्स बनाएंगे और उसमें आपको पूरा प्रिपेयर करेंगे और अपने भाई मित्रों को भी इस चैनल से जुड़ेंगे जो कक्षा 7वीं में है, और 7वीं में ही नहीं अगर कोई भी कक्षा में कंपटीशन लेवल तक, मैं आपको वादा किया हूँ कि वीडियो दूंगा और दूंगा, जिसे कुछ नहीं आता है वो सब कुछ सीखेगा इस चैनल से, सिर्फ आप 20 तक पहरा याद रखें, आपको मैं जोड़ घटाव गुणा भाग से लेकर पूरा कम्पिटिटिव लेवल तक मैथ बनाना सिखा के छोड़ूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। आपका फर्ज सिर्फ इतना ही बनता है कि आप इस चैनल को
अधिक से अधिक शेयर कर दें और थोड़ा सब्सक्राइबर जो मतलब जो यूट्यूब गाइडलाइंस होता है उसके कैटेगरी में हमको भी ला के रखें, क्योंकि अभी हमको 1000 सब्सक्राइबर चाहिए बहुत जल्द। और इसमें कंडीशन होता है कि हम उसको मैं अपने लिंक को शेयर नहीं कर सकता हूँ, और मैं अपने लिंक को शेयर करूँगा तो मेरा एलिजिबल नहीं होगा, इसका मैं हकदार नहीं रहूँगा। तो इसका फ़र्ज बनता है, आप भाई समान है, मित्र समान है और पढ़ते हैं छात्र के समान है, तो आपका दायित्व बनता है कि आप इसको जल्द से जल्द शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों से जोड़ें इसको। यहाँ पर कुछ मतलब गलत चीज़ नहीं मिलेगी, शिक्षा की बात है, शिक्षा ही मिलेगा। और कोई डांस वंस का प्रोग्राम तो है नहीं कि मैं आपको फालतू की तस्वीर लिए सुनाऊँगा, यहाँ पे मनोरंजन भी नहीं कर सकता आपको, मैं एंटरटेन भी नहीं करूँगा कि मैं, क्योंकि मेरा जो प्लेटफॉर्म है एजुकेशनल है, तो शिक्षा से मैं जितना जानता हूँ मैं अपना ज्ञान आपके पास शेयर कर दूँगा। अगर आपको पसंद आता है तो मेरा ज्ञान एक्सेप्ट करेंगे, अगर आपको नहीं पसंद आता है तो आप हमें इग्नोर कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मेरा बात समझ में आ जाए, और मेरी कोशिश रहेगी माँ सरस्वती कृपा से मैं आपको समझाने में सक्षम हुआ तो मेरा पढ़ाई मेरे लिए सार्थक हो जाएगा। चलिए इसको मैं बदलते हैं रुपया में, हम सब जानते हैं कि 100 रुपया होता है, तो जब 10 पैसा को 100 रुपया में बदलना है तो पैसा में 100 रुपया से भाग देना पड़ेगा। हमने भाग दिया, 0 से 0 कैंसिल किया, 1 बच गया, बचा 10, और इसको हम भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा सिसफल 0.1 रुपया लिख देंगे। इसका पहला क्वेश्चन हल गया, उसमें अब मैं बार बार यहाँ पर कैमरा लेकर नहीं आऊँगा, यहाँ पर देखिएगा तीन प्रश्न है, इन तीनों का हम बारी बारी सॉल्व करते हैं। आप NCERT पेज पर जाएंगे अपना 54 में और प्रयास कीजिए, जो यहाँ पर लिखा है यानी आपके लिए छोड़ा गया था मैं उसको भी सॉल्व कर दिया हूँ। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि 125 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। सॉल्यूशन में मैंने लिख दिया कि सेंटीमीटर किसे बदलना है, मीटर में। हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 1 सेंटीमीटर में हमारा होता है 100 मीटर, ठीक। हमने इसको 100 से भाग दे दिया, नहीं सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे एक करेक्शन करना पड़ेगा, थोड़ा सा भाग गलती हुआ है, इसको हम सुधार लेते हैं। चलिए तो इसको मैंने थोड़ा करेक्शन कर लिया था, यहाँ थोड़ा मतलब लिखते समय थोड़ा सा ये जेल पेन था थोड़ा सा इधर हो गया था, फिर मैं इसको लिखने जाऊँ, ग्राम लिखा है, आप ध्यान देंगे क्वेश्चन में लिखा गया ग्राम, ये GM कट गया था, यहाँ भी लिखा हूँ फिर भी साफ नहीं हुआ है, इसको आप समझ लेंगे ग्राम लिखा है। तो हमारा एक क्वेश्चन था, इसको हमने सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, हम जानते हैं सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमें 1 से भाग देना पड़ता है, और मात्रक हमको अगर मीटर में बदले हैं तो यहाँ हम मीटर लिख देंगे। थोड़ा सा इसको मैं करेक्शन कर लूँगा और आप थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ सेंटीमीटर ही रह गया है जबकि हमने इसको बदला है किसमें, मीटर में, तो यहाँ आपका सिर्फ मात्रक में m होना चाहिए, क्या होना चाहिए, m फॉर मीटर। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं मी, और ये शॉर्टकट में यहाँ m लिख देंगे तो सिर्फ काम हो जाएगा। 100 से भाग देंगे तो भाग लगाएंगे तो हमारा कट जाएगा इतने बार में। चलिए मैं छोटा सा इसको भाग भी कर लेते हैं, इसको चलिए इसको भाग करते हैं। हमारा क्वेश्चन था 125 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना था, हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में जब से इसको मीटर में बदलना है तो हमें 100 से भाग करना पड़ता है। हमने अपने संख्या मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दिया। चलिए इसको भाग कर लेते हैं, बहुत ईजी भाग है। हम जाहिर सी बात है कि 100 का भाड़ा पढ़ना है, 125 चाहिए, 2 बार तो पढ़ नहीं सकते, 200 हो जाएगा, एक ही बार ही पढ़ेंगे तो एक बार पढ़ेंगे तो 100 ही आएगा, 100 के बारे में माइनस करेंगे तो 25 ही बचेगा, ये ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए शेष बच गया, फिर भी हम इसको करेक्ट आंसर लाना है, तो हमें अगर हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं दशमलव, तो दशमलव में कुछ आंसर ही लाएंगे हर बार में, क्योंकि चैप्टर ही हमारा है दशमलव भिन्न, यानी डिसिमल फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो हमारा आंसर भी उसमें आएगा। तो चलिए हमने दशमलव दिया, दशमलव अगर एक बार हमने दिया तो इसका मतलब है बार बार यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा। कब तक 0 आएगा, जब तक ये 100 इसको पूर्ण रूप से विभाजित ना कर दे। 2 बार में फिर ले जाएंगे, 100 दोनों 200 हो जाएगा, 250 में से और 250 में से 200 घटाएंगे, 50 ही बचेगा, और ये ख़त्म हो जाएंगी संख्या इधर वाली। अब क्या करते हैं हम, दशमलव मैंने एक बार दिया, दशमलव के भाग में से दशमलव सिर्फ एक बार ही देना पड़ता है, अब उसके लिए 0 यहाँ बार बार रिपीट होता रहेगा जब तक संख्याएँ कट ना जाए पूर्ण रूप से। अब ये 500 बन गया, अब हम जानते हैं कि 100 के टेबल में 500 हो जाता है 5 बार में, यहाँ पर हमारा सिसफल क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कट गया। यानी हम कह सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर को जब हमने मीटर में बदला तो हमारा आंसर क्या आया था, 1.25, कितना आया था, ये 5 बार में आखिरी कट गई थी संख्या, 1.25 आया था। तो चलिए उसको मैंने यहाँ पर लिखा है, आप देख लेंगे और आप भी अपना एक बहुत खूबसूरत राइटिंग में, मेरे हैंड राइटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है, मेरे हैंड राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, आप उम्मीद करता हूँ आप हमसे बेहतर अच्छा लिखते होंगे, आप इसको अच्छा से बनाएंगे, और ये थोड़ा सा मिस्टेक था इसको सही कर लेंगे, ये आपका आंसर रह गया। फिर इसी प्रकार एक और सवाल दिया गया, आखिर एक कि लिखिएगा कि 1025 ग्राम को किलोग्राम में बदलिए। फिर ध्यान दीजिए, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम से भाग देना पड़ेगा, संख्या ये है
भाग देंगे, उसी तरह इसको भाग देंगे। अब कोशिश कीजिएगा, आपका आंसर इतना आ जाएगा। इसका मैं कोई ट्रिक बता दूं, किसी भी संख्या में अगर जीरो वाली संख्या से भाग देना है, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक दो पाँच है, सौ से भाग देना है, तो ध्यान दीजिएगा दो जीरो है, कितना जीरो है नीचे, दो जीरो, तो दशमलव यहाँ लगा दीजिए, दो संख्या के पहले दशमलव लगा दीजिए। चलिए ये ट्रिक देखिए, इस पर लागू कीजिए, क्या संख्या है, दस जीरो दो पाँच, कितना संख्या है नीचे, जीरो, तीन जीरो है, तो तीन जीरो के पहले दशमलव लगा, तीन संख्याओं के पहले दशमलव लगा दीजिए, आपका वही आंसर हो जाएगा। चलिए मैं इसको आपको थोड़ा बोर्ड पर करके दिखा देता हूँ। देखिए ये दो संख्याएँ थी, जब भी आपको ऐसा प्रश्न कभी मिल जाए भाग देने के लिए, आप भाग नहीं देंगे, इसको आप शॉर्टकट मेथड से बना लेंगे, आपका आंसर करेक्ट आएगा और 100% हर जगह नियम लागू होता है। कंडीशन ये है कि नीचे सिर्फ जीरो से भाग देना हो, जैसे 100 हो गया, 10 हो गया, 1000 हो गया, एक लाख हो गया, कितना भी जीरो से भाग देना हो, एक पे कितना भी जीरो हो। आप देखिए तीन संख्या इधर है, आपके पास कितना जीरो है, दो जीरो है, आप बाएं तरफ से इसको दो जीरो है, इधर दो संख्याएं हैं, दो जीरो की संख्या है, आप इधर से दूसरे स्थान पर लगा दीजिए, एक दो, यहाँ दशमलव चिपका दीजिए, आपका यही आंसर आएगा। देखिए हमने भाग दिया था, हमारा यही आंसर आया था। सिर्फ यही काम इसमें भी कीजिएगा, कितना जीरो है इधर, जीरो की संख्या कितनी है, तीन, इधर से तीन अंक पर जाइए, एक दो तीन, यानी यहाँ दशमलव हमारा आएगा, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, ओके, चलिए, तो मैंने बिल्कुल ऐसा ही कर दिया है। आप ऐसा इस ट्रिक को क्या बोलते हैं, अप्लाई कीजिएगा, आपका 100% आंसर आता है इसमें। चलिए अब हम चलते हैं NCERT पेज नंबर 55 पे, कुछ प्रयास के लिए दिए गए हैं आपके लिए क्वेश्चन, यानी सेल्फ लिखा जाता है कभी कभी, स्वयं अभ्यास कीजिए छात्रों के लिए, फिर मैंने उसको सॉल्व किया है, आप देखेंगे बहुत, मतलब ये तो सातवें लेवल का चैप्टर है तो बहुत आसान ही होगा, इसमें कुछ होता नहीं है, लेकिन जो विद्यार्थी सातवीं क्लास में पढ़ते हैं उनके लिए सब टफ लगता है। आज हम लोग को ये सब आसान लगता है चीज़, ये बहुत आसान है, लेकिन जब याद करेंगे, जब हम लोग सातवीं कक्षा में थे तो ये चीज़ हम लोग को थोड़ी बड़ी लगती थी, हाँ समझ आते थे तो आसान लगता था, लेकिन जब भी हम लोग जिस क्लास में होते हैं वो हमारे लिए ही टफ होता है। ठीक है, चलिए बहुत मतलब सिंपल चीज़ है, दशमलव का जोड़ घटाव है, कोई बड़ी बात नहीं, फिर भी एक बार हम बताते हैं आपको। चलिए यह सखी पहला सवाल दिया था 0.44 प्लस 0.211 है, इसको जोड़ना है, प्लस करना है, इसमें आप सिर्फ एक ही, बस दशमलव के जोड़ घटाव में एक ही मेथड को आप याद रखेंगे, दशमलव के जोड़ में हम लोग सिर्फ एक ही बात पर ध्यान रखेंगे। इसका एक नियम होता है, अगर उस नियम का हम पालन करेंगे, हमारा कभी भी दशमलव के जोड़ घटाव गुना कभी भी गलत नहीं होगा, जहाँ अक्सर बच्चे हम कभी कभी बचपन में गलत कर दिया करते थे, या जो अभी कक्षा में सातवीं में बच्चे होंगे उनसे गलतियाँ हो जाती होंगी। चलिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, है 0.0 इसको थोड़ा अभी देखिए, थोड़ा हमको प्रॉब्लम है कि मोबाइल से ही सब कुछ करना पड़ता है, वीडियो बनाना पड़ता है, एक हाथ में मोबाइल पकड़े हैं, एक हाथ से वीडियो शूट कर रहे हैं, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा आप लोग भी, इस प्रॉब्लम को समझेंगे जी। चलिए थोड़ा मार्कर चेंज करते हैं, इसको ऐड करना है हमको 0.44 धन 0.11, इसको हम लोग धन भी पढ़ लेते हैं या जोर भी पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझने का थोड़ा ये अपना लफ्ज़ है, इसको देखिए हम लोग जोड़ना चाहेंगे। आप सिर्फ एक, मैं जब बार बार पढ़ाऊँगा आप एक ही मेथड पर ध्यान करेंगे, आपका कभी भी दशमलव जोड़ गलत नहीं होगा। आप देखिए बनाते पीरियड में आप पहली कोई संख्या लिख लें जोड़ना है, तो हमने लिख लिया पहले इसको 0.44, हम इसको जोड़ना चाहते हैं, इसको जोड़ना है, तो चलिए हमें यहाँ प्लस दे दिया। देखिए हम लोग बाकी जोड़ हम लोग सीखे थे कभी, जैसे मान लो संख्या वाला 125 को जोड़ना है और 576 को जोड़ना है, ऐसा तो हम लोग ऐसा करते थे, इसके नीचे इसको लिखते थे और जोड़ते थे, हमारा आंसर आ जाता था। लेकिन इस चीज़ को हम यहाँ थोड़ा छोड़ेंगे अब, क्योंकि यहाँ दशमलव की संख्याएँ हैं, इसका मेथड कुछ और बोलता है। इसका मेथड ये होता है कि सिर्फ दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दशमलव के नीचे दशमलव हमेशा होना चाहिए। चलिए पहला संख्या लिख दी, अब इसको हम नीचे लाएंगे तो क्या याद रखेंगे कि इसका जो दशमलव है, इसका जो दशमलव है इसके दशमलव के नीचे ही होना चाहिए, कहीं भी नहीं जाना चाहिए, बाकी संख्या कोई किधर चल जाए, आगे पीछे हो जाए, लेकिन ये दशमलव के दशमलव हमेशा सामने होना चाहिए। चलिए दशमलव से हमने समझ लिया, दशमलव के इधर क्या लिखा है, दशमलव के इधर उसमें भी जीरो है तो जीरो लिख दिया, उधर क्या है दाईं साइड में एक एक है, अब तो सामने हो गया, अब जोड़ लेंगे 4 1 5 4 1 5, दशमलव का दशमलव लिखेंगे और जीरो का जीरो, तो हमारा 0.55 आंसर आया। चलिए इसी प्रकार इसका हम दूसरा सवाल बनाते हैं, दूसरा सवाल है 2.12 माइनस घटाना है इसको 2.1। चलिए हमने क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिया, ये दूसरा क्वेश्चन लिख लिया, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, वही मेथड जो आपको बताया मैंने अभी, क्या बताया,
पहले आप जिसको लिखना है लिख लीजिए, घटाना है तो घटाओ की चिन्ह दिए, इसको घटाना है ना आपको, तो इसका दशमलव आप क्या करेंगे, इसके नीचे आ गया सामने सामने आ गया, तो आपका काम ख़त्म। आपने समझिए कि पूरा 100% बना लिया, सिर्फ सामने सामने लिख दिया दशमलव का दशमलव आपने बना लिया, आपका सवाल गलत बिल्कुल होगा ही नहीं। अब दशमलव के लेफ्ट साइड में क्या है, दो, राइट साइड में क्या है, एक, अब माइनस कर लीजिए। अब प्रश्न उठेगा आपके मन में, इसके नीचे तो कुछ आया नहीं, नहीं आया तो आप जीरो लिख दीजिए खाली, जीरो मतलब कुछ नहीं, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन जीरो लिख लेंगे तो आपको अच्छा लग रहा है देखने में, अब तो बड़ी बड़ी संख्या लगती हैं। दो, जीरो नहीं घटाना है, दो ही लिख दीजिए, एक में से घटाएंगे जीरो, पॉइंट का पॉइंट लिखेंगे, दो में से दो गया जीरो, यानी आपका आंसर ओनली फॉर क्या आया, 0.002। चलो आपके मन में भी प्रश्न हो क्या ये हमारा आंसर सही है कि गलत है, तो वैसा ही जैसे हम लोग जोर का नियम करते हैं जाँच कर लीजिए, इसका हम लोग जाँच कर लेंगे कि हमने सही बनाया गलत। क्या करेंगे, हमने क्या घटाया था, हमने घटाया था 2.1 घटाया था, आंसर क्या आया था, आंसर जोड़ लीजिए, अगर हमारा आ जाएगा ऊपर वाला संख्या तो सही है, आंसर हमारा आया था 0.02, आपको ये नीचे दिख रहा है, ये आंसर आया था। फिर जोड़ लेंगे तो इसका दशमलव सामने इधर आया था जीरो, इधर आया था जीरो और दो, जोड़िए इसको, ऊपर कुछ नहीं तो जीरो लिख लेते हैं, दो, एक की एक, दशमलव की दशमलव, दो, यानी 2.12 आ गया। देखिए मैच कीजिए, ये हमारा मिल गया, यानी हमने बिल्कुल सही बनाया था। अब आप इसके आधार पर पूरा प्रश्नावली को बना लेंगे, चलिए इसमें का जितना क्वेश्चन है आप कर लेंगे, थोड़ा मैं समय जल्दी करने के लिए, क्योंकि जितना वीडियो लंबा होगा उतना हमें डाटा, जब वीडियो अपलोड करना होगा हमें उतनी डाटा खर्च होती है, उतना भी मेरे पास डाटा होता नहीं, 1-2 GB मिलता है डेली, 1.5 GB तो उसमें बहुत सारा काम होता है अपना, और बाकी भी ऑनलाइन चीज़ पढ़ाई है इस पर। चलिए आप क्या करेंगे, अब इसको बना लेंगे, ठीक है, आपका 100% बनेगा, आपका 100% आंसर आएगा, इसमें सब बना लेंगे, सॉरी ये नहीं बनेगा, इसका जो बनाना था वो पीछे जो हमने अभ्यास किया था उसके तरह बनना है, इसमें का मैं दिखाता हूँ आप इसको बना लेंगे। चलिए अब मैं प्रश्न आपको अभ्यास के सवाल में ले चलता हूँ, चलिए ठीक है, आप याद करेंगे हमारे कोचिंग का नाम है गुरुकुल कोचिंग, और ये जो स्थान लिखा है भकुरा, हमारा गाँव है भकुरा, यहीं पर हमारी कोचिंग चलती है ऑफलाइन। आप याद रखेंगे कि अगर कोई गरीब छात्र है तो उसको हम फ्री शिक्षा देते हैं, और आपके आसपास में कोई बच्चा हो तो आप और उसके पास पढ़ने के लिए आर्थिक स्थिति सही नहीं है आप बिल्कुल भेजेंगे, मैं 100% बोलता हूँ मैं उसे पढ़ाऊँगा, जब तक पढ़ाऊँगा जब तक उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, एक पैसे भी उसे नहीं ली जाएगी। चलिए देखिए सवाल है इसका, प्रश्नावली क्या बनाएंगे आप, बोलता है इसमें कि निम्नलिखित दशमलव संख्या के जोड़े में से बड़ी संख्या कौन है, जोड़ा बोलने का अर्थ होता है जोड़ा, दो आदमी को जोड़ा बोलते हैं, एक संख्या ये है एक ये है, अब इसमें से बताइए बड़ा कौन है छोटा कौन है, कभी कभी तो हम देख के बता सकते हैं आसान होता है, लेकिन आपको मेंशन करना होगा किस मेथड से बता रहे हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है, आपको डिटेल्स उसका डिस्कशन करना होगा, आपको उसका पूरा मेंशन करना होगा आंसर में। चलिए हमने देखा कि इसका भी पहले पूर्ण संख्या मिलाते हैं, दशमलव के पहले की संख्या पूर्ण होती है, इसका भी पूर्ण 5, इसका भी पूर्ण 5, मामला बराबर आ गया, अभी फाइनल नहीं हो पाया, दोनों बराबर हो गए। चलो इसका दशांश चेक करते हैं, इसका दशांश में 6, इसका दशांश में 7, अब तो क्लियर हो गया भाई कि इसका दशांश छोटा है इसका दशांश बड़ा है, तो बड़ा है तो यही हमारा आंसर हो गया, यही आंसर हो गया, इसको आप लिख देंगे। चलिए मैं आपको वीडियो थोड़ा दिखाता हूँ, आप इसको नोट्स में फिर बना लेंगे, मैं थोड़ी जल्दी जल्दी कर रहा हूँ सवाल को। चलिए अगला सवाल है 5.60 एवं 5.61 में कौन बड़ा है, चेक कीजिए पहले पूर्ण संख्या 5 बराबर बराबर, दशांश चेक कीजिए 6 बराबर, मामला भी बराबर है, अब शतांश चेक कीजिए 0 और इसका 1, आपको पता है 0 से 1 हमेशा बड़ी होती है, एक बड़ी संख्या है, तो जब ये बड़ी है तो यही बड़ी संख्या होगी। चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, सी नंबर 5.67 और 4.0, यहाँ तो पूरा पहले ही क्वेश्चन क्लियर हो गया कि ये बड़ा है, क्योंकि देखिए इसका पूर्ण 5 इसका पूर्ण 4, लेकिन अब मेंशन क्या करेंगे, लिखेंगे चूँकि पूर्ण भाग 5 ग्रेटर देन 4 पूर्ण भाग से, यानी इससे बड़ी है, तो जब बड़ी है उसका पूर्ण भाग तो यही दशमलव भिन्न क्या होंगी, बड़ी हो जाएंगी इससे। मैं अभी तक इतना ही किया हूँ, मैं छोटे छोटे भी पार्ट बना के डालूंगा, अगला पार्ट में इसको मैं पूरा पूरा चैप्टर को ख़त्म करा दूंगा, तब तक आप इन सब प्रश्नों को बनाएंगे, क्योंकि देखिए मैंने आपको जोर सिखा दिया है आपसे, देखिए सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी विद्या होती है, एक बार आपने इसको सीखा आप कसम से बोलता हूँ आप इसे बनाएँ आपका हर सवाल बनेगा इसमें का, एक भी सवाल नहीं छूटेगा। अब ये नहीं, दुनिया का कितना भी कोई आपको दशमलव का जोर बड़ा दे दे घर छोटा दे दे आप आसानी से बनाएंगे। आपने क्या सीखा था मेरे साथ, दशमलव के सामने दशमलव लिखना ही है, जब बनाएंगे हम आप बनाएं ये आपका ज़रूर बनेगा, आपका ये भी बन जाएगा,
और चलिए दशमलव का प्रयोग निम्नलिखित को, चलिए इसको आप छोड़ दीजिए, पाँच नंबर आपका होमवर्क में क्या रहेगा, दो का पूरा, तीन का पूरा और चार में क्या है बढ़ते क्रम में लिखना है। इसको भी आप लिख सकते हैं क्योंकि आपको छोटी संख्या बड़ी संख्या पहचानने का टेक्निक आ गया है, तो आप उस टेक्निक के आधार पर बढ़ते क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में आपको सजा देना है उसको। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।